धौलाधार में मुद्दों को धार देने के लिए कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से नव निर्वाचित भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक धर्मशाला स्थित पर्यटन निगम के होटल धौलाधार में साय 7:30 बजे हुई और 9 बजे के करीब संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष पूर्व उद्योग सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। पूर्व में 5 वर्ष तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस को अब विपक्ष की भूमिका निभानी है, जिसके लिए उसने नए सिरे से रणनीति तैयार कर ली है, जिससे भाजपा को बैकफुट पर रहने को मजबूर किया जा सके। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को विभिन्न मसलों पर घेरने की पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष पूर्व उद्योग सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विकास के कार्यों में सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा और इससे हटके प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर सहयोग दिया जाएगा, लेकिन अगर हिमाचल के हितों से कहीं खिलवाड़ होता है तो हितों को नजरअंदाज किया जाता है या प्रतिशोध से काम किया जाता है तो उन पर डट के आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि भाजपा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद प्रदेश के हितों को लेकर क्या बात करती है। हमारा जो इस विधानसभा का जो कांग्रेस का विधायक दल है वो सब लोग आज यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही सार्थक मीटिंग हुई और इसमें ये तय किया गया कि जो भी विकास के कार्यों में सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा और इससे हटके जो प्रदेश के हित के मुद्दे हैं उसमें सहयोग दिया जाएगा, लेकिन अगर हिमाचल के हितों से कहीं खिलवाड़ होता है, कहीं हितों को नज़रअंदाज किया जाता है, प्रतिशोध की भावना आती है तो उन पे जो है डट के आवाज़ बुलंद की जाएगी और एक थंब रूल जो है सारे CLP ने तय कर दिया है कि सब लोग विकास का सहयोग करेंगे और उससे हटके अगर भाजपा के लोग कोई उत्पीड़न करते हैं, प्रतिशोध करते हैं, उसकी आवाज़ बुलंद की जाएगी। और आज की CLP में जो हमारी औपचारिकताएं हैं CLP के गठन को लेके, उसमें हमने हमारे चीफ विप जो है जगत सिंह नेगी जी को नाम बनाया है और विप हमारे राणा जी रजिंदर राणा जी होंगे, दो लोग या इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उसके बाद सेक्रेटरी हमारे नंदलाल जी उनको अपॉइंट किया गया है और साथ में तेजराज जो है हमारे आशीष पटेल होंगे, तो ये भी तय किया गया है और क्योंकि ये अभी तो शब्द लेनी। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष की मजबूती और रचनात्मक तरीके से भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा जैसा कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा ने नकारात्मक भूमिका निभाई है उससे हटकर उनकी भूमिका होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने तो सदन ही नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि वे संसदीय परंपराओं को इस हाउस की गरिमा का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन जहां तक हिमाचल के हितों की बात है वहां पर लिहाज की कोई बात नहीं होगी। लेने के बाद इस मुद्दों पे के आधार पे हमारी राजनीति होगी और देखते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण में भाजपा प्रदेश के हितों को लेके क्या बात करती है और उस पे जो रिएक्शन है। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, रचनात्मक निभाएंगे, सार्थक तरीके से निभाएंगे और जैसे इन लोगों ने निभाई उससे हटके होगी। इन्होंने तो सदन ही नहीं चलने दिया, पूरे टाइम सदन नहीं चला, अध्यक्ष के आसन पे पहुंच गए, मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंच गए। हम संसदीय परंपराओं को इस हाउस की गरिमा जो है उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन जहां तक हिमाचल के हितों की बात है वहां पे लिहाज की कोई बात नहीं। सर स्पीकर का भी चाहिए। केश अग्निहोत्री से जब प्रश्न किया गया कि नेता प्रतिपक्ष बनने में 23 विधायकों की जरूरत होती है और कांग्रेस के पास 21 विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि वे
प्रतिपक्ष के नेता बने हैं तो वह सुविधाओं के लिए नहीं बने हैं। इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं और हमारा जो है टोटलिटी में फैसला लगभग 10-15 मिनट में हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अक्सर नेता प्रतिपक्ष आपको बनाया गया है कांग्रेस विधायक दल का नेता, तो क्या जो सरकार जिस तरह से मान्यता देती है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, उस तरह से कहा जा रहा है कि अपना जो सदस्य है कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, इत्यादि बहुमत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी क्या इसमें मांग रही है? ऐसा है कि हम जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, हम सुविधाओं के लिए नहीं बने हैं। इतना सत्ता पक्ष को जो है साफ होना चाहिए। ठीक है।